आहे. घेतलेली पाकिट परत करा, घेतलेली पाकिट परत करा. मंत्रालय में मीटिंग की गई, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस भी करना था कि लोग बिल भरे और मीटरें आ रहे हैं, मीटरें दिए जा रहे हैं, 32,000 मीटर आए अभी. तो हम चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम लोगों में क्या बातें हुई और वो बातें उन तक पहुंचे. बिल भरे लोग और मीटर लगाए लोग और जो चोरी की लाइन है उससे दूर रहे, ताकि ये चीज़ें हो जावे और उसूली हो जावे, ताकि जो लॉस है वो लॉस को कवर किया जाए. शहर में ये भी चर्चा हो रही है कि आप लोग सिर्फ जो है एक पब्लिक सिटी स्टैंड दिखावे के लिए जो है ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो है टोरेंट को आना और शहर में जो पक्का माना जा रहा है कि अब टोरेंट आएगी, ये बात आपकी सही है, लेकिन कहाँ जहाँ तक के है वहाँ गलत भी है कि दिखावा हो रहा है. दिखावा नहीं हो रहा है. तो दिसंबर 2018 को एग्रीमेंट हुआ था, आना रहता तो 26 जनवरी 2019 को आना ही था, हैंड ओवर टेक ओवर होना था उनका. आज कौन सा दिन चाले, आज तुम खड़े हो फरवरी 2020 में, तो सवाल ही नहीं होता. इतना दिन रुका है, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है और इंशाअल्लाह ताला लोग साथ देंगे और हम मेहनत करेंगे. इसमें दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है. आप जिस तरह से अभी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे, नगर सेवक है और जो आमदार है वो जो है इस मसले पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सही बात है ना? कहाँ है नगर सेवक? आज हम लोग 1.5 साल से मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं. कहाँ है नगर सेवक? कहाँ है आमदार? कहाँ है खासदार? कहाँ है? क्यों नहीं है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी जवाबदारी नहीं है? इनको लोगों ने वोट नहीं दिया? ये नहीं जानते कि टोरेंट पावर भिवंडी को कैसा ख़त्म कर दिया? ये नहीं चाहते कि हम अपने वार्ड को बचावे, हम अपने शहर को बचावे? हम ये चाहेंगे तो सब एक होकर लड़ सकते हैं. ये आगे रहेंगे, हम इनके पीछे रहेंगे. भाई ये नाम कमावे, हम बोल रहे ये नाम कमावे, इनके लोग जान जावे कि ये वार्ड का नगर सेवक है और ये लड़ रहा है हमारे लिए. और मुकादम बोलता है, हमारी टीम के साथ बोलता है कि हम इनके पीछे खड़े रहेंगे. आओ तो सही मैदान में, ये घर में क्यों बैठे हो? इस तरह से अभी आप एक मराठी में नारा लगा रहे थे पॉकेट को लेकर, हाँ, ये कैसा है? किसी ऐसा ये नारा था, कौन पॉकेट? ये ऐसा है कि घेतलेली पाकिटे परत करा. घेतलेली पाकिटे परत करने का मकसद ये है कि अगर तुमने लिया है और घर में बैठे हो, जो भी पुढ़ारी है इस मुमरा कोसा के दीवार डाई का, किसने लिया हो? आप जो नारे देखो भाई, किसने लिया है? जितना जनप्रतिनिधि का काम होता है, हम जनप्रतिनिधि नहीं है, उनके परमिशन बिना नहीं आते. उनके परमिशन के बिना जो क्षेत्र के एमएलए है, क्षेत्र के खासदार है, आमदार है, और हमारे पूरे मुमरा कोसा कलवा दीवा डाइगर के जो नगर सेवक है, ये बंच है ना, ये क्यों नहीं आ रहे? इसके तो सवाल उठेगा ना. तो फिर पाकिट किसने लिया? किसी ने, इन लोगों ने लिए होंगे. भाई मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं किसी एक पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बात को समझो. खासदार है, आमदार है और नगर सेवक है सारे, ये बंच ऑफ बंच है. ये कहाँ है? क्यों नहीं है? इसकी कुछ तो वजह होगी. कोई तो एक बोले कि नहीं ये दुरुस्त है या फिर ये गलत है. ये तुम घर में बैठ के बोलते हो नहीं गलत है, टोरेंट पावर गलत है, नहीं आना चाहिए, भिवंडी बर्बाद हो गया. घर में बैठ के बोलने से क्या होगा? तुम बोलते हो, हमारा आमदार की बात करता हूँ. हमारे आमदार साहब बोले थे 19 जनवरी 2019 को जब आंदोलन था, तब बोले थे कि मैं इनको पाव रखने नहीं दूंगा मुमरा कोसा के अंदर, कलवा के अंदर. अरे आज तो पूरे घुसे जा रहे, ऑफिस खोल लिए. तो बिना पाव के थोड़ी आए, घुटने के बल थोड़ी आए, पूरे के पूरे आए. कहाँ थे आप? कहाँ हो आप? अरे मैं बोलता हूँ आपसे, आज मंत्री हो गए ना, सब जानते हैं मंत्री का पावर क्या है, सब जानते हैं. अरे भाई पूरी तरीके से नड़ गए वहाँ पे राजू पाटिल साहब, वो तो सादा एमएलए, आप तो मंत्री है ना, आपने वादा किया था ना कि मैं पाँव रखने नहीं दूंगा, तो तोड़ दो पाँव इनके, हम आपके साथ हैं. चलो आप आगे चलो, हम पीछे चलते. चलो मैं बोल रहा हूँ, सारे नगर सेवक आमदार खासदार इनिशिएटिव लो, हमारे मुमरा करके मुमरे करके लोग आयुष के लोग इनके पीछे चलेंगे इंशाल्लाह ताला. लेकिन ये अगर सच्चाई पे रहे तो टोरेंट को लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो लगातार आप लोग जो है यहाँ के स्थानीय नेताओं को जो है टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो कहना था कि टोरेंट नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सामने नहीं.
देखिए हम लोग पहले तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग पहले तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे। जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ जो यहाँ शहर में झूठे नेता है जो बात बात पर शहर पे देश का सबसे बड़ा आंदोलन करने बोलते हैं, कोई बोलता था टोरेंट पावर आएगी तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, वो सब लोग आज चुप है। तो हम उनसे पूछ उनको बोल रहे हैं, उनके नगर सेवकों को बोल रहे हैं कि आप लोग चुप क्यों, कुछ पैकेट वैकेट मिल गया है क्या? आवाम के ऊपर जुल्म होने वाला है। आज भिवंडी के हालात देखो, हर गरीब इंसान पे वहाँ केस बना दिया जाता है, मन चाहे बिल दिया जाता है, लेकिन आज हमारे शहर में इतनी आसानी से टोरेंट गुजरे और आप लोग चुप हो? आप लोग का पूरा राज है, नगर सेवक आपके, MLA आपके, तो क्यों हो? हम लोग आपकी तरह बुजदिल और बिकाऊ नहीं है, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी आवाम के लिए हम पहले भी लड़ते, आज आगे भी लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये टोरेंट को इस शहर में तो हम पहले आने से रोके थे, हम लोगों ने ही रोके थे। आयुष थी, मैं मुमरे करती, हम लोग यहाँ 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, इतना बड़ा धरना निकला था, आगरी समाज था पूरा, जुलूस निकला था, उसने रोका था, आगे भी हम रोके कि हमको नेताओं की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा घर भरो, पॉकेट भरो, आप झूठे वादे करो कि तुम्हारी लाश हम देखेंगे ना, टोरेंट तो आ चुका ऑफिस पे, लाश ही नहीं मिल रही हमको, जिसपे से घुसकर वो आई है, कहीं गायब सी हो गई है। कलवा मुमरा के MLA बोल रहे हैं कि मुमरा और कलवा वाले को टोरान चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि आवाम टोरान को स्वीकार करेंगी। अगर ये MLA का कहना है या मंत्री का कहना है तो मंत्री हमारे आवाम के बीच में आके कहे कि मुमरा और कलवा वाले को टोरान चाहिए। हम लोग उनको चैलेंज करते हैं, लोगों को टोरान नहीं चाहिए, और टोरान किसी भी हालत में यहाँ आएंगे तो यहाँ का आवाम चुप बैठने वाली नहीं है। आवाम अपने तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और उनको हरा देंगे, क्योंकि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग टोरान के खिलाफ है। हम लोगों को मीटर दो, हमारे से पैसा लो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।